जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कल रात भर वो आपको याद करके क्या सोच रहे थे, यानी कि कल रात के उनके लेट नाइट थॉट्स क्या थे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है द हैंगमैन का। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके उनको लग रहा है कि वो कहीं पे जैसे ट्रैप हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे इस पर्सन के पैरों में बहुत बड़ी सी चेन बंधी हुई है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन शायद किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और मे बी आपकी तरफ जितना इजीली बढ़ना चाहते हैं उतना क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उसके पीछे क्या क्या वजह है, उन सब वजहों को लेके भी इनके दिलो दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। हो सकता है कल रात को भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन था आपसे बात करने का, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और जैसे यहाँ पे ये उल्टा लटका हुआ रहता है पर्सन, वैसे ही अलग अलग नज़रिए से ये ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे थे। फिर है 4 ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हर किसी के लिए घर वाले मैटर करते हैं, पैसा भी मैटर करता है, अपने दिल की ख्वाहिशें भी मैटर करती हैं और करियर भी मैटर करता है। वैसे ही सभी बातों को लेके ये पर्सन दिल से सोच रहे थे कि अब इनका मैं क्या करूं। अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करना चाहते उसको लेके भी सोच रहे थे, पैसों को लेके भी कुछ दिलो दिमाग में दिक्कतें चल रही है उसको लेके भी सोच रहे थे। साथ ही साथ घर वाले अगर नहीं मान रहे तो उनको कैसे मनाना है या फिर आखिर वो क्यों नहीं मान रहे इसके बारे में भी सोच रहे थे। और करियर को लेके भी छोटे मोटे कुछ इशू शायद इस पर्सन को है, उनको लेके भी ये काफ़ी कुछ दिल पे जैसे आप कह सकते हैं हेवी बर्डन, ऐसा काफ़ी ज़्यादा वो फील कर रहे थे। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, 3 कप छलक चुके हैं और इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि हे भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो वैसे ही शायद आपके साथ में भी हो सकता है, काफ़ी बातें आगे ले जाने में डिलेज हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ शायद हो सकता है 3 साल हो गए हैं या फिर 3 महीने हो गए हैं, इन्होंने कोई प्रॉमिस किया था जो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मुझे मैंने अगर कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा करना चाहिए, और रिग्रेट की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब जैसे यहाँ पे पछतावा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपकी की तरफ बढ़ना तो चाहते और जो भी मुसीबतें हैं वो शायद इनकी तरफ से ही है। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मेरा पर्सन भी आगे की तरफ ज़िंदगी में नहीं बढ़ पा रहा। और इस बात को लेकर जब हम ब्लेम लेते हैं कि सामने वाले के पर्सन ज़िंदगी के भी ऊपर मेरी वजह से कुछ असर फील हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। वैसे ही एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में नहीं कल रात जुड़ पाए, यानी कि रोमांटिकली भी हो या फिर कुछ भी बातें शेयरिंग करना हो वो इनकी तरफ से नहीं हो पाया। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 बार 5 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप एक देख सकते हैं कि एक तरफ तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पछतावा है और दुख भी है इन सब बातों का कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे ही इस दूसरे कार्ड पे शायद किसी के साथ इनकी बहस हुई है, भले ही ये उस बहस में जीत गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि कई बार हम हमारे अपनों को भी कुछ समझाने जाते हैं और जब वो बात नहीं समझते तो कुछ बातें ऐसी गिव एंड टेक या फिर ऐसा कुछ कहाँ सुनी हो जाती है जिसकी वजह से कई बार हमें ही पछतावा होता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। सामने वाला इंसान भले ही गलत हो, लेकिन हम जब अकेले में सोचते हैं कि वो पर्सन तो गलत ही था, लेकिन
मुझे तो खुद को कंट्रोल करना चाहिए था या फिर मुझे अपनी तरफ से वो बात नहीं कहनी चाहिए थी जो मैंने कही। तो शायद ऐसी कुछ कहा सुनी हो सकता है कल रात को हुई थी, जिसकी वजह से इस पर्सन को दिलो दिमाग में उन्हीं सब बातों को लेके काफ़ी कुछ चल रहा था। और यही अगर उनका वाटर साइन भी है तो काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल भी हो रहे थे कि क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है या फिर मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ता है। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। चाहत तो है इस पर्सन को टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में बढ़ने की, यानी कि घर बसाना है, बाल बच्चे, एक फैमिली मैन बनना है और गृहस्थी देखनी है जहाँ पे हैप्पीली वो अपनी ज़िंदगी जी पाए। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये अकेली ही है और इससे बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं है, ये सिर्फ बर्ड से बातें कर रही है। वैसे ही इनको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है और उनको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई है जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, तो उनको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ इनके बदलाव होते चले जा रहे हैं, जो बदलाव शायद ये एक्सेप्ट करने के लिए इनको थोड़ा वक्त लग रहा है। और ये वही सोच रहे हैं कि आखिर कब मैं टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचूंगा या पहुँचूंगी, यानी कि घर बसाने को लेके काफ़ी कुछ सीरियसली ये सोच रहे थे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है, बैलेंस उनको चाहिए और इस रिश्ते में वो बैलेंस लाना चाहते हैं, यानी कि उनको पता है अगर आपने उनके ऊपर भरोसा करके, जैसे यहाँ पे आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और इसने, जैसे ये दोनों तराजू इसको दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी ये जजमेंट दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि अगर आपने उनके ऊपर भरोसा किया है तो इनको किसी भी हालत में उस भरोसे के ऊपर खरा उतरना है, यानी कि आपको वो कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, वो सपना पूरा करना चाहते हैं जो भी आपसे इन्होंने वादे किए हैं, और इस रिश्ते में आपको भी इंसाफ देना चाहते हैं और खुद के साथ भी ये इंसाफ चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कौन सा गुनाह किया है अगर किसी से प्यार किया है तो, और ऐसी कौन सी गलती है जिसकी सज़ा देते हुए घर वाले अगर इनकी बात नहीं मान रहे तो क्या किया जा सकता है। इसके बारे में काफ़ी कुछ उनके दिलो दिमाग में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आग जल रही है और यहाँ पे भी तीन पेंटिकल है, यानी कि सब बातों के बारे में सोच सोच के ये पर्सन, जैसे मान लीजिए अंदर से तड़पते रहते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घर वालों का बर्डन है, कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है करियर के प्रॉब्लम की वजह से वो बातें दिलो दिमाग में हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इन सब के बीच में मेरे दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो तो पूरी हो ही नहीं रही है। और इन बातों को लेके जब वो सोच रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी और शायद इसी वजह से मे बी वो चाहते हुए भी आपसे कल कम्युनिकेट नहीं कर पाए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड हमें क्या बताते हैं। कनेक्टेड हार्ट, तो आपके साथ उनका दिल का जो रिश्ता है उसको ये महसूस कर सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आप भी उनकी वजह से मूव ऑन नहीं हो पा रहे इस बात को लेके भी ये इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उन्हें वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है और उनको एहसास है उस हार्ट लेवल पे आपके लिए जो जज्बात वो फील करते हैं उसका। फिर है सेल्फ लव, तो हर कोई खुद के बारे में सोचता ही रहता है, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, अपनी करियर को लेके बातें, फैमिली को लेके बातें, पैसों को लेके बातें और अपनी ख्वाहिशों को लेके बातें, तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं और उनमें हैप्पीनेस चाहते हैं, वो बातें क्या थी उनके बारे में भी सोच रहे थे। फिर है रोमांस, कहीं ना कहीं आपसे बात करने का भी मन था, जैसे यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली रोमांस के ख्याल उनके दिलो दिमाग में नहीं होंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो काफ़ी कुछ आपसे शेयर भी करना चाहते थे रिगार्डिंग हिज और हर फीलिंग, लेकिन इन सब बातों की वजह से मे बी आपसे फ़ोन कॉल पे भी बात नहीं हो पा रही, फीलिंग लेफ्ट आउट,
उनको जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है जो इस वक्त उनका साथ दे या फिर उनको समझ के ले ले, और शायद काफ़ी देर रात तक ये सोचते रहे थे, इसलिए ऐसा उनको हो फील हो रहा था। फिर है सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और शायद इसीलिए आपके साथ घर बसाने के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है नॉट ओपन टू लव, तो आपके साथ शेयरिंग तो करना चाहते थे और बातें भी कई सारी दिलो दिमाग में चल रही थी, लेकिन कल हालत ऐसी थी कि खुद सामने से बात करके आपसे हाय हेलो भी कहते ऐसे भी एनर्जी उनकी नहीं थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आइसोलेटेड मोड में ज़्यादा ही थे। और फाइनल कार्ड है रोमांटिक पार्टनर, तो आपको वो अपना रोमांटिक पार्टनर ज़रूर समझते हैं और इसीलिए आपके साथ घर बसाने के सपने भी ये देख रहे हैं और चाहते भी है कि इस रिश्ते में बैलेंस आपको भी वो फील करवा दे, और खुद भी बैलेंस चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रोमांटिक एनर्जी में आप दोनों भी फंसे हुए हैं, यानी कि आप भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे जब तक ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता। और वैसे ही इनको भी पता है जब तक इनके ये मसले सॉल्व नहीं हो जाते ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, जिसकी वजह से आप भले ही उनके रोमांटिक पार्टनर हैं लेकिन फिर भी ये जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके काफ़ी कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा था। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।